नहीं नहीं इसकी कोई वजह मतलब वो मार नहीं पी ले ससुराल में रह रहा था मतलब बीते बच्चे थे बच्ची के कुछ मतलब उंगलियां जख्मी मतलब पूरे जख्म हो गए अच्छा मतलब सास को भी सास को भी मारा करते ना मतलब क्या करता था लारी ड्राइवर था क्या ना लारी ड्राइवर अच्छा बस एक ही बात है चल खाना कमाना नहीं पैसे नहीं देना आप क्या हो ना आपका साढ़ू है कुछ भी नहीं सुनता मैं निहायत ही अफसोस के साथ एक वाकया पेश आया। सद अफसोस कि ताड़ला कुंटे के रहने वाले एक मेहर उनिसा नामी 40 साल खातून का उन्हीं के शौहर बड़ी बर्बरियत के साथ कत्ल कर दिए उन्हीं के मकान में बड़ी बेदर्दाना अंदाज में गला काट कर जो है खातून का उसके अलावा कई जरबात उनके जिस्म पर जो है पाए गए। मरहुमा ताड़ला कुंटा चंद्रनगट्टी के रहने वाले थे जिनको दो लड़के और एक लड़की है। एक लड़का 18 वर्ष का है जो घर में नहीं था और एक दूसरा लड़का कोहिर में जो है तालीम के घर से रहता था क्योंकि ये जो कातिल शोहर है असल उसका आबाई मुकाम कोहिर है। इतला मिली रफीक साहब जो मरहुमा के बहनोई है इन्होंने कहा कि चंद वर्षों से ये लोगों में आपसी मियाँ और बीवी में तिश्नगी चल रही थी और तिश्नगी की वजह भी ये है कि उसका इसरार ये था कि वो कमाई वगैरह तो करता नहीं था और बारह जो है हालत नशे में रहकर कोहिर में जो है काफी जुल्म और सितम करता था। तो इन्हों मरहुमा जो है अपने आबाई मुकाम यानी हैदराबाद के चंद्रनगुट्टा ताड़ला कुंटे के अंदर ही लेकर आकर उनके बहन भाई समझा बनवा कर यहाँ रख लिए थे। लेकिन उस बदबख्त का बारह एक ही जो है मुतालबा था कि वो इनको लेकर जो है फिर से दोबारा कोहिर जाना चाहता था। इसको लेकर चंद अरसे से इन दोनों में बहस और तकरार चलती थी और खुद फैमिली मेंबर्स की घर में एक ज़ईफ वालिदा वालिदा के घर में जो है आकर यहाँ पर थे मरहुमा उनकी मौजूदगी में उनके सामने उनकी जो है उनकी लड़की का गला चाकू से काट दिया और कई जरबात जिस्म पे जो है चाकू से मारकर जो है बड़ी बेदर्दी के साथ उनका कत्ल कर दिया। जैसे इसकी इत्तला मुकामी लोगों को मिली वो भाग रहा था उसको
मोहल्ले के लोग पकड़े तो उन पर भी जो है वार करने के लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको दबोच कर पुलिस को इसकी इत्तला करी और पुलिस फौरी जो है यहां पर आके उसको हिरासत में ले ली। मैं हमारे यहां के जैसा ही मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नसीरुद्दीन गोरू साहब को इसकी इत्तला मिली, उन्होंने मुझे इत्तला की। हबीब मिलत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नोटिस में भी हम यह वाकया लाए। बड़े ही अफसोस के साथ उन्होंने हमको कहा कि फौरी तौर पर जो है पुलिस से रब्ता करें और सख्त से सख्त उस जालिम के खिलाफ में जो है कार्रवाई करने के लिए कहें और जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम करवाकर ओरसा के हवाले उनकी बॉडी को हवाले करने के लिए, साथ में रहने के लिए हमको कहा। और हम पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि आए दिन इस किस्म के वाकयात यहाँ पर रुआ हो रहे हैं। मैं खास तौर पे इससे हटके मैं ये कहना चाहूंगा कि चंद्रानगुट्टा इलाके में खास तौर पे ये चंद्रानगुट्टा चौराहा, जीशान होटल और भी इलाके हैं जहां पर जो है कुछ अशरार शरपसंद जो है इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिस पर पुलिस को चाहिए कि जो है आप उस पर नजर रखें और ऐसे शरीर हजरात पर जो शरारत कर रहे हैं उन अशरार पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें। इन इलाकों में आए दिन सुनने में आ रहा है कि जो है मुख्तलिफ किस्म के नशा करते हुए और उसका खरीद फरोख भी चल रही है। जैसा जैसा हमको इत्तला मिल रही है हम दबोच कर उनको जो है पुलिस के हवाले कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से हमारी एक गुजारिश है कि आप अपने तौर पर जो है ये एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखें और जो भी किस्म के नशे वालों नशे की जो अशिया खरीदो फरोख्त हो रही है जो कर रहा है उस पर नजर रखे और जो नौजवान उसमें तबाह हो रहे हैं उसकी तदारीक के लिए जो है पुलिस की एक जिम्मेदारी है कि इस पर जो है सख्त नोट लेते हुए फौरी तौर पर इसकी रोकथाम के लिए कुछ काम करे। आज का भी जो वाकया है सुनने में यह आया, रफीक साहब और उनके जो मरहुमा के घर वाले कह रहे थे वो हालत नशे में था, तो लिहाजा हमारी पुलिस महकमे से गुजारिश है कि ये नशे की जो लानत नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रही है, खास तौर पे ये एरिया में जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, खुदारा आप इस पर जो है रोकथाम के लिए इकदाम करें। शुक्रिया।